सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जानकारी के मुताबिक आज शाम शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो सकता है। तीनों ही पार्टियों के विधायक मिलकर एक नेता के नाम को तय करेंगे। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस बैठक की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की रणनीति है कि अगर देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और सरकार गिरती है तो तीनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल को सभी विधायकों की दस्तखत वाली चिट्ठी सौंपेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की और मुख्यमंत्री पद के लिए हामी भर दी है। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे की हामी को लेकर दावा किया है कि दीपक केसरकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों पार्टियों के कहने पर ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हुए। पवार साहब और कांग्रेस ने बोला इसलिए ठाकरे तैयार हुए। वहीं महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कल राज्य विधानसभा में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि मतदान गुप्त ना हो।